अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एडोल्फ हिटलर के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। इसकी तालीम नहायत कम थी। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना के कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में मोहस इसलिए दाखिला ना मिल सका कि वो इनके मतलूबा मियार पर नहीं उतरता था। 1913 में हिटलर जर्मनी चला आया, जहां पहली जंग अजीम में जर्मनी की तरफ से एक आम सिपाही की हैसियत से लड़ा और फौज में इसलिए तरक्की हासिल ना कर सका कि अफसरान के नज़दीक इसमें कायदाना सलाहियतों की कमी थी। 1919 ईस्वी में हिटलर जर्मनी की वर्कर पार्टी का रुकन बना, जो 1920 ईस्वी में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी के नाजी कहलाई। 1921 ईस्वी में वो पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हुआ। 1930 ईस्वी में मुनक्कद होने वाले इंतखाबात में नाजी पार्टी जर्मनी की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। दोस्तों, हिटलर के बालों का रंग खाकी, कद 174 सेंटीमीटर, वजन 72 किलोग्राम, जमात नाजी जमात, जोजा ईवा ब्राउन, वालद अलोइस हिटलर, वालदा क्लारा हिटलर हैं। दोस्तों, 1933 ईस्वी के इंतखाबात में नाजी पार्टी अक्सरियत हासिल ना कर सकी, मगर सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से सदर ने हिटलर को हुकूमत बनाने की दावत दी और हिटलर मुल्क के सबसे आला ओहदे चांसलर तक पहुंच गए। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने जो सबसे पहला काम किया वह नाजी पार्टी का फरोग था। इस मकसद के लिए इसने अपने मुखालफिन को दबाने का हर हरबा आजमाया। दोस्तों, लाखों मर्द, ख्वातीन और बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार हिटलर एक कौम परस्त और नस्ल परस्त नजरियाती था। इसमें इम्तियाजी सलूक और खात्मे की पॉलिसी थी जिसने मुख्तलिफ नस्ली, सियासी और माशरती ग्रोहों को मुतासर किया। 1939 ईस्वी में हिटलर की जानिब से पोलैंड पर जाहरियत दूसरी जंग अजीम के आगाज का बाइस बनी। दूसरी जंग अजीम के आखिरी आयाम में 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को हिटलर ने बर्लिन में अपनी जेर जमीन पनाह गाह में अपनी नई नवेली दुल्हन इवान ब्रोन के साथ खुदकशी कर ली। इसके दौरे हुकूमत में नाजी जर्मनी यूरोप के बेशतर हिस्से पर काबज रहा, जबकि इस पर 11 मिलियन यानी 1,10,00,000 अफराद के कत्ल का इल्जाम भी लगाया जाता है। इसी तरह लाखों औरतों, बच्चों और बूढ़ों के अलावा इश्तराकियत पसंदों, पोलैंड के मुश्तरका कौमियत के हामिल बशिंदे, रुमानियों, गुलामों, मजदूरों, हम जन्स परस्तों, सियासी और मजहबी अकलियतों को इंतहाई बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। खसूसी तवज्जो कैंप्स में कैदियों से उस वक्त तक गुलामों की तरह काम लिया जाता था जब तक वो थकन या बीमारी का शिकार होकर मौत की आगोश में ना चले जाएं। यहूदियों और रूमियों को सैकड़ों मील दूर बनाए गए मक्तल गाहों पर जानवरों की तरह रेलगाड़ी में ठोंस कर गहीतों मुंतकिल कर दिया गया, जहां जिंदा बच जाने की सूरत में इन्हें गैस चैम्बर के जरिए मौत के घाट उतार दिया जाता। जर्मनी के तमाम अफसर शाही इस अजीम नस्ल कशी में पेश पेश थे जिसने इस मुल्क को नस्ल कशी के अड्डे में तब्दील कर दिया। इनका तहरीक नाजियत में अहम किरदार था। दोस्तों, हिटलर जर्मनी का मकबूल तरीन लीडर था। इंसानी तारीख की ये शख्सियत जमहूरी तरीका से मुंतखब होकर डिक्टेटर के दर्जा पर फायज हुआ। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी का लीडर एडोल्फ हिटलर 1930 के इंतखाबात में मुंतखब होकर जर्मनी का वजीर आजम बना, यानी के चांसलर। दोस्तों, जर्मनी में आज भी वजीर आजम के दर्जा को चांसलर कहा जाता है। इस वक्त जर्मनी के सदर पालवान थे। 1934 में सदर पालवान के इंतकाल के बाद हिटलर ने अना बिलिंग एक्ट ऑफ 1933 के तहत चांसलर के ओहदा को सदारत के साथ जम कर लिया। हिटलर का ये इकदाम सरासर कानूनी था। हिटलर एक सियासी पार्टी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी का नुमाइंदा था। इसी पार्टी को अंग्रेजी में नाजी पार्टी कहा जाता है। तारीख के औराक को पलट कर देखते हैं तो हिटलर के तलक से कुछ दिलचस्प और हैरत अंगेज बातें पता चलती हैं। इसकी शख्सियत को मनफी नजरों से देखा जाता है। इसमें खामियां बहुत ज्यादा थी। मोरखिन के मुताबिक हिटलर एक नहायत ज़हीन, शातर, अयार, जालम, अजियत पसंद खसूसियात का हामिल शख्स था। इसकी शख्सियत को
करिश्माई शख्सियत कहा जाता है। जब वो लाखों के मजमा के सामने तकरीर के लिए खड़ा होता तो गोया पूरे मजमा पर जादू कर देता। अल्फाज हिटलर के लिए खिलौना थे, वो अपने अंदाजे बयां से मजमा को महसूल कर देता। हिटलर की मकबूलियत की बुनियाद इसकी पार्टी के नजरियात थे और आइंदा चलकर इन्हीं नजरियात पर न सिर्फ जर्मनी के दो टुकड़े हुए बल्कि तारीख इंसानी की बदतरीन शख्सियतों में हिटलर का शुमार हुआ। आज भी जिस तरह मुसलमानों में यजीद का नाम एक लानत समझा जाता है, मगरबी कौम के लिए हिटलर का नाम इसी तरह लानत तस्लीम किया जाता है। 1945 ईस्वी में हिटलर के खात्मे के बाद शायद किसी माँ ने अपने बच्चे का नाम हिटलर रखा हो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।